साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग सिल्वर लाइन पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और इस वीडियो के पहले तीन वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये इसका चौथा और आखिरी वीडियो है और इसके साथ ये पूरी किताब जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में। अगला है, मई 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी? गीतांजलि श्री। भारतीय सेना में कॉम्बैट एविटर के रूप में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन है? अभिलाषा बराक। मई 2022 को राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 250वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना को। 23 मई 2022 को प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं कौन? तो निजी सचिव जो है विवेक कुमार नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में एंथनी अवनीश किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। एंथनी अवनीश ऑस्ट्रेलिया के। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये हैं आपके SS मुद्रा। एलिजाबेथ बोर्ड किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो फ्रांस की। किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश में। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के प्रशासक बने हैं? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के। मणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो त्रिपुरा के। आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन होता है। इसका खिताब जो भारत ने पहली बार जीता है इंडोनेशिया को हरा करके, और भारत इस प्रकार छठवां देश बन गया है इस खिताब को जीतने वाला। वहीं उबेर कप महिलाओं संबंधित होता है। उबेर कप के विजेता दक्षिण कोरिया रहा है चीन को हरा करके। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? तो कहां पर शुरू किया गया है? मुंबई में। आगे बात करते हैं। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? तो ये संगीत से संबंधित रहे। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु बना है। किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना प्रारंभ की है? महाराष्ट्र ने। एकनाथ शिंदे ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये महाराष्ट्र के बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, केतन जी ब्राउन लैक्शन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो अमेरिका की। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हुआ है? तो जापान के। विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब भी जीता है। और वहीं कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता है और राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। मिसेज इनवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पल्लवी सिंह ने। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो यह उत्तराखंड। जुलाई 2022 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? भारत को 135वां स्थान दिया गया। 2021 में भारत 140वें स्थान पर था, मतलब 5 स्थानों का सुधार हुआ है और आइसलैंड पहले नंबर पर है। किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो ये डिजिटल लोक अदालत कहाँ लॉन्च की गई है? आपकी राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। जुलाई 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान दिया गया है? 87वां नंबर एक पे जापान है। द्रौपदी मुर्मू भारत की किस क्रम की राष्ट्रपति बनी है? 15वें नंबर की हैं। वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश कौन हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना है? तो ये है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर इंग्लैंड में किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया? सुनील गावस्कर के नाम पे। सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका गुजरात है। किस भाषा की मशहूर गायिका निर्मला मिश्रा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? बंगाली भाषा की थी। आईफा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिल दिया गया, खिताब दिया गया? तो विक्की कौशल को। और ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जो है कृति सेनन को दिया गया है। ये 22वां आईफा अवार्ड था। भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। पंडित भजन सपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थे? वह संतूर वादक थे। किस टीम ने 2023 का IPL का खिताब जीता? गुजरात टाइटंस ने जीता। कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? तो हार्दिक पांड्या बने। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है, किसने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता?
तो 2021-22 का खिताब जो है मध्य प्रदेश ने, और उसके बाद जो है 2022-23 का जो अगला खिताब हुआ है उसको सौराष्ट्र ने जीता है। जून 2022 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, परमेश्वरन अय्यर को। वहीं एनडीए की परीक्षा पास करने वाली एनडीए की पहली छात्रा बनी है शनन ढाका। आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा, तो भारत का स्थान 37वां है, जबकि 2021 में भारत 43वें स्थान पर था, 43वें से 37 पे आ गया है। और इसमें डेनमार्क नंबर एक पे है, स्विट्जरलैंड दूसरे पे है, सिंगापुर तीसरे पे है। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है, तो कोयम्बटूर से शिरडी के माध्यम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता कौन रहा, तो इसका विजेता हरियाणा रहा है, जबकि जो 2022 का रहा, 2022 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का विजेता महाराष्ट्र था। आगे बढ़ते हैं, जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, इसका नाम क्या है, लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, एनो कोवैक्स। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, तो ये आपका थाईलैंड है। ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। 14 मई 2022 को गृह मंत्री द्वारा कहां पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया, तो कहां पर किया गया, हैदराबाद में। किन दो देशों ने नाटो के सदस्य देश बनने की घोषणा की, फिनलैंड और स्वीडन ने। ब्राजील में आयोजित 24वें डीफ ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, कुल 16 पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है, किस देश ने उबेर कप 2022 का खिताब जीता, उबेर कप महिलाओं से संबंधित होता है, तो इसको दक्षिण कोरिया ने चीन को हरा करके जीता है। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, तो मुंबई में। भारत ने किस देश को पराजित कर थॉमस कप बैडमिंटन खिताब जीता है, तो इंडोनेशिया को हरा करके जीता है। चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद किस शहर में स्थित है, तो वाराणसी में है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल में कहां पर बुद्ध संस्कृत और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है, तो लुम्बिनी में किया है। किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो राजस्थान का है। मध्य प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। नई दिल्ली में स्थित देश का एकमात्र मैडम तुषार संग्रहालय कहाँ स्थानित किया गया है, नोएडा में किया गया है। 75वें कॉन फिल्म समारोह में किस भारतीय अभिनेत्री को प्रतियोगिता जूरी का सदस्य बनाया गया है, दीपिका पादुकोण को। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है संभव। किस टीम ने आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने। 12वीं आईवीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो कुल 4 जीते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्य ने अग्निशमन बेड़े में पहली बार रोबोट के इस्तेमाल की पहल शुरू की है, तो किसने शुरू की है, दिल्ली ने। भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ साझेदारी की है, तो आईआईटी मद्रास के साथ में की है। महत्वपूर्ण मरुस्थलीकरण पर कॉप 15 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो आइवरी कोस्ट में। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो माउंट एवरेस्ट पर किया गया है, तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है, मंकी पॉक्स मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है बेल्जियम। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन सा है, तो ये आपका कोलकाता है। आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, शिखर धवन। 24 मई 2021 को भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया देशों का क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो जापान के टोक्यो में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी होता है, इससे पहले 2019 में हुआ था, इसमें भारत किस स्थान पर, भारत 54वें स्थान पर, जबकि 2019 में भारत 46वें स्थान पर था, मतलब रैंकिंग में गिरावट आई है भारत के। नंबर एक पे जापान है। रक्षा मंत्री ने किस राज्य में एक नया रक्षा संपदा सर्कल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो कहां पर दी है, उत्तराखंड में दी है। राष्ट्रपति ने कहां महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो कहां पर किया, तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में। देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया, जम्मू के भद्रवाह में। देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में। शिरुई लिली महोत्सव 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है, मणिपुर है। शिरुई लिली तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये नई दिल्ली में। अडानी ग्रीन ने भारत का पहला हाइब्रिड पवन और सौर पावर प्लांट कहां शुरू किया है, तो ये किया गया है आपके राजस्थान के जैसलमेर में। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया, जम्मू कश्मीर के कठुआ में, बायोटेक पार्क का।
59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मई 2022 में अमित शाह ने कहां ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? तो कहां पर रखी है? गुजरात के अहमदाबाद में। किस राज्य ने अपने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2021-22 को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो इसको 2025-26 तक, ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण, 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। WHO ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? तो किसको प्रदान किया है? झारखंड को, ध्यान रखेंगे झारखंड को दिया गया है। इजराइल ने किस अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। जून 2022 में किस राज्य में हुई सर्वदलीय बैठक में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी है? बिहार ने दी है। जून 2022 में कहां देश भर के शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो कहां पर हुआ है? ये आपका गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में हुआ है। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां खोलने की घोषणा की गई है? तो चंडीगढ़ में। 2021-22 में कौन सा राज्य भारत का सिर्फ चीनी उत्पादक राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। दूसरे पे उत्तर प्रदेश हो गया। 4 जून तक आयोजित भारत का सबसे बड़ा वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में हुआ है। किस देश के स्पेस एजेंसी ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? चीन ने। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य की तितली घोषित किया है? तो किसने किया? सिक्किम ने। मारुति सुजुकी ने कहां एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया है? तो हरियाणा के मानेसर में। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 121वां, भारत को 121वां दिया। 2021 में 120वें स्थान पर था, एक अंक की गिरावट आई है। और इसको सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, जारी किया जाता है। इसमें कुल 163 देश थे और पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन, चौथे पर नॉर्वे है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला अल्ट्रा लग्जरी सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल कहाँ चालू किया गया है? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में चालू किया गया है। आगे बात करते हैं इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। जून 2022 में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड पास करने पर समाप्त करने पर सहमत हुआ? मलेशिया। देश की पहली अंकोलॉजी प्रयोगशाला का उदाहरण कहाँ पर किया गया है? तो ये कोच्चि में, केरल के कोच्चि में। अंकोलॉजी क्या होता है? ये कह सकते हैं मेडिकल संबंधित एक जो है शाखा होती है, उसकी ब्रांच है, जिसमें कैंसर की रोकथाम, निदान एवं उपचार संबंधित चीज़ों को का अध्ययन किया जाता है। जून 2022 में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है कि मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए किसने एक रोबोट विकसित किया? तो महत्वपूर्ण याद रखें, IIT मद्रास ने। एलेस्ट कंपनी ने भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां लगाने की घोषणा की है? हैदराबाद में। राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। देश की पहली बालिका पंचायत किस जिले में शुरू की गई? तो गुजरात के कच्छ जिले में। किस संस्थान ने देश के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया है? IIM अहमदाबाद ने किया है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। बिश्केक है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। दूसरे पे जापान है, तीसरे पे मंगोलिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा को। केंद्र सरकार ने 2023 में भारत में कहां पर G20 शिखर सम्मेलन कराने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। शाओ जुआओ त्यौहार किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो इसको गोवा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जून 2022 में किन दो अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल समूह में शामिल किया गया, गोबान और टोगो। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। किसने सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने का रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? तो जानवी डांगेती ने। टाटा पावर ने कहां भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की है? तो केरला में। कहां पर? केरल में। G20 शिखर सम्मेलन का 48वां संस्करण कहां का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका आयोजन स्थल जो है जर्मनी में है। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया? ईरान ने लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा नामक योजना शुरू की है? तो कर्नाटक
आगे चलते हैं। डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय ने कहाँ वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कहाँ पर किया है, तो आपका बेंगलुरु में किया गया है। किन दो देशों में ब्रिक्स के शामिल होने के लिए आवेदन किया, किन किन दो देशों ने, ईरान और अर्जेंटीना ने, ईरान और अर्जेंटीना ने। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है, इसका नाम संभाजी नगर कर दिया, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर। दुनिया का सबसे बड़े जीवित पौधे पोसिडोनिया की खोज कहाँ की गई है, तो ऑस्ट्रेलियाई तट पर की गई। महिलाओं के लिए नारी को समन नामक योजना शुरू की गई है, कहाँ पर शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में रोहिल नामक स्थान पर दुर्लभ यूरेनियम का विशालतम या विशाल भंडार मिला है, कहाँ पर मिला है, ये आपका राजस्थान में मिला। नशीले पदार्थों के विरुद्ध ऑपरेशन नारकोश नामक अभियान किसने चलाया है, तो ये अभियान जो है आपका रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया है। केंद्र सरकार ने किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, तो 1 जुलाई 2022 से। किस राज्य ने काई चटनी भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो किसे किया गया है, GITI के लिए उड़ीसा का है। NTPC ने कहाँ देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है, तो तेलंगाना में। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, तो सीना शेट्टी ने। किसने जीता है, सीना शेट्टी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर किस राज्य से संबंधित हैं, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा थियान कहाँ स्थापित हुआ, तो थियान को जो है आपका IIT हैदराबाद में, IIT हैदराबाद महत्वपूर्ण याद रखिएगा। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में। 7 जुलाई 2022 को स्वामी रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया, श्रीनगर में। केंद्र सरकार ने किसे G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया है, अमिताभ कांत को, ये पूर्व में नीति आयोग के CEO थे। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, लखनऊ में किया गया, कहाँ पर, लखनऊ में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अच्छे पात्र मध्यान्ह भोजन रसोई का शुभारंभ किया है, वाराणसी में, कहाँ पर, वाराणसी में किया है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस राज्य ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है, तो दिल्ली ने। WHO ने किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस आने की पुष्टि की है, तो कहाँ पर, घाना में। 8 जुलाई 2022 को किस वस्तु को GST से मुक्त किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को। G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक 8 से 9 जुलाई को कहाँ पर आयोजित हुई, तो ये जो इसकी 17वीं बैठक थी वो आपकी इंडोनेशिया में, कहाँ पर, इंडोनेशिया में हुई थी। अगली जो है आपकी भारत में होनी है। जापान का सर्वोच्च सम्मान सुप्रियर ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम किसे प्रदान किया गया, तो ये सिंजो आबे को दिया गया, किसको, सिंजो आबे को दिया गया। आगे बात करते हैं। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो कहाँ पर किया था, देवघर में। आगे बढ़ते हैं। 6वें राष्ट्रीय खान एवं खनिजों पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। किस राज्य ने विद्यार्थियों को स्कूलों में वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न योजना शुरू की है, तो ये योजना जो है त्रिपुरा के द्वारा प्रारंभ की गई है, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का 17वें का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, हरियाणा के पंचकुला में। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने किस देश के संसद मतलब को जो है किस देश के संसद द्वारा सम्मानित किया गया, ब्रिटेन के संसद के द्वारा। इन्फोसिस ने किस देश की कंपनी बेस लाइफ साइंस को खरीदने की घोषणा की है, किसने, डेनमार्क ने। इन्फोसिस ने किस देश की कंपनी किस देश की है, तो डेनमार्क की कंपनी है बेस लाइफ साइंस, इसको खरीदने की घोषणा की है इन्फोसिस ने। आगे बढ़ते हैं। 13 से 17 जुलाई तक खारची उत्सव कहाँ मनाया गया, खारची उत्सव आपका त्रिपुरा में मनाया गया, त्रिपुरा में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन का उपयोग करने में कौन सा राज्य अव्वल है, तो आपका तमिलनाडु जो है वो अव्वल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड रखने वाले किस रूसी अंतरिक्ष यात्री का हाल ही में निधन हो गया है, वाल्री पालाकोव। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो ये अमेजन है, कौन सी है, अमेजन है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है, तो गुजरात ने की है। गुजरात ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में कितनी दवाएं शामिल हैं, 384। आगे बात करते हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस शहर ने की है, तो इसकी मेजबानी जो है सूरत के द्वारा, किसके द्वारा, सूरत के द्वारा की गई। वर्चुअल ऑटोप्सी क्या है, तो पोस्टमार्टम तकनीक है। विश्व जल कांग्रेस एवं प्रदर्शनी 2022 का मेजबान देश डेनमार्क है। विश्व जल कांग्रेस एवं प्रदर्शनी 2022 का मेजबान देश डेनमार्क है। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन रहा है, अल्काराज़
कार्लोस अल्कराजू, सी ऑप्शन, किस सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया भारतीय सेना ने। किसने किया है? भारतीय सेना ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो किसका रद्द किया? लक्ष्मी सरकारी बैंक का। किस राज्य ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। शैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? श्रीलंका ने जो है, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने नेपाल को हरा करके जीता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता जो है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। खबरों में रहा मूनलाइटिंग किससे संबंधित है? तो ये रोजगार से संबंधित है। स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो पर्यटन मंत्रालय की पहल। किसकी है? पर्यटन मंत्रालय की। आगे बात करते हैं, खबरों में रहा किगाली संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कमी से संबंधित है। किस राज्य ने सीएम द हैसी नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? मणिपुर ने लॉन्च किया है। कौन सा शहर ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2022 का मेजबान है? तो कौन सा शहर है आपका? मुंबई है। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में आयोजित किया गया है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो मणिपुर के लोकटक झील में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? अंडमान निकोबार। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां बनाया जाएगा? तो ये आपका बेंगलुरु में। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां बनेगा? लखनऊ में। भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? मांडला मध्य प्रदेश का है। और किस संस्थान ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया है? तो ये अनावरण सेबी ने किया है। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल THCI किस देश ने शुरू की है? तो ये इसको जो है भारत ने शुरू किया है। किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने, मित्रा नाम से। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बीजेपी मेयर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। गुजरात में किया गया है। अगला है, महिला एशिया कप क्रिकेट 2022 का की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है बांग्लादेश के द्वारा। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म रही है? छेलोशा। और किस शहर को SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? वाराणसी को। विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का क्लोन किस देश ने बनाया है? चीन ने बनाया है। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? बजरंग पुनिया है। सुधारवादी नेता EB रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तमिलनाडु ने मनाया। आगे बात करते हैं, किस पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है? तो विज्ञान प्रगति को। संघीय सहयोग संगठन सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो वर्तमान में भारत है। देश में लुप्त हो चुके चीतों को किस देश से लाकर लूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा गया? तो नामीबिया से लाकर के। हाल ही में चर्चा में रहा लूनो है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस देश में है? किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस देश के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये स्विट्जरलैंड के हैं। साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। किस राज्य ने किसानों को एक यूनिक फॉर्म ID प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया जा रहा है? तो लोथल में बनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य ने फिल्म उद्योगों हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो गुजरात ने लॉन्च की है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? हरियाणा में। हाल ही में किस देश के पूर्व अंपायर अशद रऊफ का निधन हो गया? तो पाकिस्तान के थे। ब्रिटेन के नए किंग कौन बने हैं? तो ये नए किंग जो हैं इनका नाम प्रिंस चार्ल्स है। अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य पहली बार दिसंबर में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो ये आपका कौन करेगा? सिक्किम के द्वारा किया जाएगा। PM मोदी ने किस स्थान पर केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो गांधीनगर में किया है। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया। ध्यान रखिए, ग्रेटर नोएडा में। आगे बढ़ते हैं, अगला है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश के किस स्थान पर अनावरण किया गया? तो बागेरहाट में। एशिया कप 2022 का विजेता देश कौन सा रहा है? तो इसका विजेता श्रीलंका रहा है, पाकिस्तान को हरा करके, श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? उत्तर कोरिया ने। हाल ही में निच्छा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। यह किस बीमारी से संबंधित है? तो ये TB से संबंधित है। किस देश की
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ है। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांकों में भारत किस स्थान पर, तो भारत जो है आपका 132वें स्थान पर, 132वें पे है। नंबर एक पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए इसमें आपका मिताली राज भी ले चुके हैं, झूलन गोस्वामी भी ले चुकी हैं, इसलिए ए और सी दोनों हो जाएगा। किस देश ने चंद्रमा के लिए निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो किसने की है? चीन ने की है, ठीक है, चीन ने। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टाइकॉथन प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो इसको आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप किस राज्य से निर्यात की है? तो ये आपकी गुजरात से निर्यात की गई। एनएसओ डेटा के अनुसार 2022-23 की पहली तिमाही भारत की जीडीपी विकास दर कितनी थी? ये 13.5 थी, ठीक है, 2022-23 की पहली तिमाही में। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्ताना, पहले अस्ताना था, फिर नूर सुल्तान से फिर से अस्ताना हो गया है। पोंग लहबशोल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपका एक सेकेंड, ये आपका कहाँ पर मनाया गया? सिक्किम में मनाया गया। भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में बनाया गया है? तो बिहार में, बिहार के गया में, फाल्गु नदी पर। किस देश के कप्तान एरोन फिच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो सिंगापुर ने। किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो ओडिशा ने शुरू की है। किसने? ओडिशा ने। आगे बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुथुमाई पेन योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने शुरू की है। कौन सा राज्य आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपये का निवेश करेगा? तो आपका उड़ीसा करेगा। किस भाषा की फिल्म छेओ शो आस्कर 2023 के लिए नामित हुई? गुजराती। किस राज्य सरकार ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? तो मणिपुर ने। किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा की है? किस बैंक ने? तो यूनियन बैंक ने। किस प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को। किसको? आलिया भट्ट को। भारतीय सेना ने किस राज्य के पुलिस के कमांडो भर्तियों को प्रशिक्षित करेगी? तो असम के पुलिस कमांडो को, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्दराज भारतीय कौन बने हैं? एल्विस अली बने हैं। अडानी पोर्ट्स की को किस राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है? तो पश्चिम बंगाल में। हाल ही में सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? रतन टाटा को। हाल ही में फास्ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश शीर्ष पर, उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष पर है। उपराष्ट्रपति ने लोकमंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इन्होंने उद्घाटन जो है गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में किया है। कौन सा राज्य नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो ये असम करेगा, ठीक है, असम, बी ऑप्शन। हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है लिंटा ब्रितोवा ने जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना? तो नागालैंड ने। किस राज्य की विधानसभा महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित रखा गया था? उत्तर प्रदेश में। कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत विकसित करेगी? कौन सा राज्य सरकार करेगी? तो देखिए असम, ठीक है। कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? तो असम। किस राज्य ने हमार बेटी हमार मान अभियान शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है मुंबई, ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ पर किया गया? तो ये आपका कहाँ पर किया गया? केरल में। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो ये रोहित शर्मा है। कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे टेस्ट और T20 में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये आपकी पहली टीम कौन सी है? इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है? तो ये योजना को मंजूरी हिमाचल प्रदेश में दी गई है। इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन जो है आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जाएगा। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम
किसके नाम पर रखा गया है? तो सरदार भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, शहीद भगत सिंह के। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? देखिए, नंबर एक पे स्विट्जरलैंड रहा, दूसरे पे नॉर्वे रहा, तीसरे पे आइसलैंड रहा है, जबकि भारत 132वें नंबर पे है। आगे बात करते हैं, एक सेकेंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? कहाँ पर किया है? गुजरात में किया गया है, ठीक है, ये गुजरात में किया गया है। अगला है, किस राज्य ने लाख का उपयोग करके गैंडों के लिए एवॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? असम ने। निम्न से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जियोर्जिया मेलोनी। हाल ही में किस राज्य ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? तो जनजातियों पर विश्वकोश जो है उड़ीसा ने जारी किया। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है, उत्तर प्रदेश को। वहीं 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ पुरस्कार जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है? किसने जीता है? ये पुरस्कार जो है आपका शुएला ब्रेवरमैन ने जीता है। हाल ही में हुई लुई फिचर का निधन वह कौन थे? तो ये लुई फिचर जो है ये एक अभिनेत्री थी, ठीक है, ये एक अभिनेत्री थी। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर के फॉर्म में करंट अफेयर दिया गया, इसको भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्र सेनानी के नाम पर रखा गया? तो भगत सिंह के नाम पर। पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने हासिल किया है? शुएला ब्रेवरमैन ने। 30 सितंबर 2022 को अडानी समूह ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो राजस्थान में। किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? तो ये कहाँ पे है? केरल में। किस राज्य ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? तेलंगाना ने। किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु ने। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आशा पारिक को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? उड़ीसा ने। किस राज्य में बथकुम्मा उत्सव मनाया जाता है? तेलंगाना में। ब्रिक्स शिखर समिति 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। किस स्थान पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? अयोध्या में। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया? त्रिपुरा ने। किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? केरल में। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। दिसंबर 2022 में RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। जनवरी 2023 में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर सतरंज कौन बने हैं? प्राणेश एम बने हैं। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जम्मू कश्मीर में। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका गोवा में किया गया। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नेस्ट्रो खाता खोला? श्रीलंका ने। संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बॉम्बे जयश्री को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मार्च 2022 में रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड ने। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? महाराष्ट्र की। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बनी है? महाराष्ट्र की। जनवरी 2022-23 में किस राज्य के जग्गा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। जनवरी 2023 में बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया? गुजरात के गांधीनगर में। जनवरी 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? तो ये केरल में है। जनवरी 2023 में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया? IIT मद्रास ने। जनवरी 2023 में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने शहर से विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? त्रिपुरा ने। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया? ऑस्ट्रेलिया ने। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है? थिरू एस नंदसेन को। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया? तो कोल्लम कहाँ पे? केरल में है। भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनवरी 2023 में कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह बने हैं। जनवरी 2023 में टाटा ट्रस्ट का CEO किसे बनाया गया? सिद्धार्थ शर्मा को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? चंडीगढ़ में। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला? छत्तीसगढ़ में। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल में किया गया है 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। आगे बात करते हैं, जनवरी 2023 में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? जियो बना है। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? अफगानिस्तान की लड़कियों को। जनवरी 2023 में ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नागालैंड में।
74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 से देने की घोषणा की गई? 106 लोगों को। ठीक है, जनवरी 2013 में किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई? जनवरी 2023 होना चाहिए, ठीक है, केरल। जनवरी 2023 हो गए, 13 नहीं, केरल में। जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में 30वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का। तो ये 30वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, आगे चलते हैं, जनवरी 2023 के अनुसार 13वीं सदी का होयसल कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? तो कर्नाटक में। जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है? तो इसका नाम क्या है? स्पायरो, ठीक है, इसका नाम है स्पायरो। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। जनवरी 2023 को किसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान सम्मान 2022 से नवाजा गया है? सुनील कृष्णन को। जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? अमनप्रीत सिंह, वायुसेना के नए उपप्रमुख। जनवरी 2023 में किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल द्वारा 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया? जम्मू कश्मीर में। जनवरी 2023 में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? निकहत जरीन को। मयात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? लद्दाख का। फरवरी 2023 में द पल्स कॉन्केव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? मध्य प्रदेश का। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की? नासा ने। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में बनेगा, ठीक है, लद्दाख में। अगला है, फरवरी 2023 में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ? तेलंगाना में। फरवरी 2023 में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश के मंदसौर में। फरवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र से। किस राज्य सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी की है? उत्तर प्रदेश ने। फरवरी 2023 में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बनाया? इंदौर नगर निकाय मध्य प्रदेश का। फरवरी 2023 में भारत के लिए किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल ला घोषित किया है? तो म्यांमार ने। किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई? तंजानिया में। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? इटली के शोधकर्ताओं ने। फरवरी 2023 में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उड़ीसा के कटक में। फरवरी 2023 में गैब्रियल चक्रवात किस देश में आया था? न्यूजीलैंड में, उसकी वजह से वहाँ पर आपातकाल घोषित किया गया। फरवरी 2023 में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल को। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रायना बरनावी। विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में। आगे चलते हैं, अगला है जनवरी 2023 में यूरो मुद्रा को किस देश ने अपनाया है? क्रोशिया, ये 20वां देश है। किलांदी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु में। एशिया का पहला व विश्व का दूसरा देश कौन बना जिसने हाइड्रोजन चालित ट्रेन को लॉन्च किया? चीन ने, पहला जर्मनी था। सियोम पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में चलेगी? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री बनाने की घोषणा किस राज्य में हुई है? उत्तराखंड के रुद्रपुर में। किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर ने। IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया? 5.9%। किस राज्य को हाल ही में गोंड पेंटिंग का GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश को। फरवरी 2023 में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने? कतर के। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने हासिल किया? हरी बालकृष्णन ने। भारत और किस देश ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और सेशल्स ने। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? हैदराबाद में, बायो एशिया समिट का। किस देश ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो किसने की है? तो इसकी घोषणा सऊदी अरब ने की है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? हरियाणा में। विश्व बैंक का हरियाणा के गोरखपुर में। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया? अजय बंगा को। जातीय भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का शहर बना है सिएटल। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। बीमा योजना को रेशम उत्पादकों के लिए
भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू किया है? मुंबई से भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? राजस्थान के जयपुर में। सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? शिवशंकरी को। इनकी कृत सूर्यवंशम को, जो कि तमिल में है। 14 मार्च 2023 को G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। 5 दिवसीय एशांग उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? मणिपुर में। किस राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया? तो पोंगल है तो आपका केरल में मनाया जाता है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रामचंद्र पौडेल। 2023 में किस राज्य में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? उड़ीसा के। 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बना है? सऊदी अरबिया। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यूक्रेन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? हिमाचल प्रदेश ने। 2023 में किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? झारखंड की सरकार ने। 2023 में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की? यस बैंक ने। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का जातीय समूह है? तो अमेरिका का। हमजा यूसुफ किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? स्कॉटलैंड के। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023। 2023 में खबरों में रहा सिनिया द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। किस राज्य सरकार ने 2023 में आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? किस राज्य सरकार ने 2023 में तमिलनाडु ने। 2023 में कौन सा देश ब्रिम्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? मिस्र बना है। 2023 में एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? मैथ के क्षेत्र में लुइस कैफरेली को। 2023 में किस देश ने 30 वर्षों बाद पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए हैं? बरुंडी ने। बरुंडी अफ्रीकन कंट्री है। नेपाल का उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? राम सहाय प्रसाद यादव को। किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? स्पेन ने। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजैया ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? ये फ्रांस के हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउडिन गे को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका ने। किस एम्स को हाल ही में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? दिल्ली एम्स को। किसको घोषित किया गया है? दिल्ली एम्स को घोषित किया गया है। किस देश ने हाल ही में अपना सबमरीन बेस सेवा शुरू किया है? बांग्लादेश ने। हाल ही में किसे राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार मिला है? डॉक्टर एल मुर्गुन को। हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का। किस देश ने हाल ही में सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की अध्यक्षता की है? चीन ने की है। हाल ही में किस देश में ब्रिटिश इंडिया आर्मी का स्मारक बनाया गया है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ब्रिटिश इंडिया आर्मी का स्मारक। हाल ही में किस राज्य में संविधान पार्क स्थापित किया गया है? राजस्थान में। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी को। 2023 में 10वीं विज्ञान कांग्रेस का महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आपका नागपुर में किया गया। ठीक है, ये उल्टा हो गया है। इसका आयोजन जो है आपका जो अभी 108वीं विज्ञान कांग्रेस हुई है वो कहाँ पे हुई है? वो आपका महाराष्ट्र के नागपुर में हुई है। ठीक है, और जो महिला विज्ञान कांग्रेस हुई है जो वो जहाँ तक वो गुजरात में हुई है। तो इसको जो है एक सेकेंड यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 2023 में 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया ये आपका नागपुर में हुआ। देखिए, नागपुर के राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ और इसी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक हिस्से के रूप में 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन यहीं पर किया गया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ पर आयोजित हुई? दुबई में। बुमचू उत्सव किस राज्य केंद्र प्रदेश में मनाया गया? तो ये आपका सिक्किम में मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका राजस्थान है। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो ये है रूस। ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप विजेता कौन सा देश बना है? कनाडा। 2023 में केंद्र ने कहाँ कलाशा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक में। 2023 में कहाँ जान नगाई उत्सव मनाया गया है? मणिपुर में। 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? केरल में। वॉल ऑफ पीस म्यूरल 2023 में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला बैंकिंग राज्य बन गया है केरल।
किस देश ने हाल ही में इबोला रोग के अंत की घोषणा की? युगांडा ने अप्रैल 2023 में। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? याद रखेगा, फिनलैंड बना है। ठीक है, फिनलैंड बना है। आगे बात करते हैं, और ध्यान रखिए फिनलैंड आपके नॉर्डिक कंट्री नहीं है। ठीक है, नॉर्वे स्वीडन नॉर्डिक कंट्री है, उसी का पड़ोसी फिनलैंड है, फिनलैंड नॉर्डिक कंट्री नहीं है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया? हरियाणा में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे मिला है? तो शक्तिकांत दास को। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन सा बना है? पोलैंड बना है। भारतीय रेलवे को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस के। पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार जो है कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7 राज्यों में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। संघई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? लखनऊ में। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम है सुरेखा यादव। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिनुद्दीन थासन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? मलेशिया में। मार्च 2023 को कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? भूटान। मार्च 2023 को शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? हर्बा लाइफ को। केंद्र सरकार ने स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में। मार्च 2023 में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? नेपाल में। मार्च 2023 में आई रिपोर्ट के मुताबिक कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की। मार्च 2023 में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? ईरान और सऊदी अरबिया। ब्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ब्यास सम्मान 2022 जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? मध्य प्रदेश का। तो इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले? 53 जिले हैं। मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क जो है वो आपका शीर्ष पर रहा है लोकतंत्र सूचकांक में, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में। मार्च 2023 में किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? पश्चिम बंगाल में। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहां पर हुआ? गोवा में। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड। मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी। ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? दक्षिण कोरिया ने। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा बन गया? बृहस्पति। इसके 92 उपग्रह हैं। फरवरी 2023 में कहां मूर्त कला पार्क का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। तुर्की व सीरिया में आए भूकंप की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त चलाया है? भारत ने। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया? गोवा में। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ब्राजील। फरवरी 2023 को काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। जनवरी 2023 में कहाँ पर 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया? दिल्ली में। जनवरी 2023 में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर प्रभा अत्रे को। किस राज्य में धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? उड़ीसा में। देश के किस राज्य में अटल स्मारक बनेगा? मध्य प्रदेश ग्वालियर में। कौन सा राज्य अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बना है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग दिया गया? तेलंगाना के। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया? न्यूजीलैंड ने। केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया? 2026 तक के लिए। मूंगफली महोत्सव कड़लकाई परिसे कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटक में। किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया गया। अरितापट्टी व मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विरासत स्थल बन गया है? तो तमिलनाडु का। किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से नवाजा गया? रवि कुमार सागर को। केंद्र सरकार ने किसे निश्चय मित्र अम्बेसडर नियुक्त किया? दीपा मलिक को। नवंबर 2022 में बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेघालय में। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिटेन करेगा। नवंबर 2022 में किसे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? शिव नारायण चंद्रपाल को। किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? आमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है मणिपुर में। फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? बर्नार्ड अर्नाल्ट रहा है। गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? पीयूष बबोले। किसने किलिमंजारो पर्वत चोटी को हाल ही में फतह किया है? तो अंजलि शर्मा ने। किस शहर में अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? अहमदाबाद में। भारत ने किस देश के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करने के लिए समझौता किया है?
तो मलेशिया के साथ में हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ, वो किस चीज़ से जुड़े थे? क्रिकेट से। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ, किस लिए प्रसिद्ध थी? लेखिका थी। स्टार स्पोर्ट्स ने अपने किसे अपना ब्रांड विश्व बनाया? रणवीर सिंह को। किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर के। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई है? इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी किस राज्य में पहली बार? तो मेघालय में। किस देश ने चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाया? इटली ने। महत्वपूर्ण याद रखें, इटली ने लगाया था। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सम्मान दिया गया है? पद्म विभूषण। किस राज्य के वुड कनिंग को जीआई टैग मिला है? वुड कनिंग को लद्दाख का है। किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? गुजरात में। किस राज्य के मिर्चा चावल को अप्रैल 2023 में जीआई टैग दिया गया है? बिहार का है मिर्चा चावल। मिर्चा चावल कहाँ का है? एक सेकेंड, मिर्चा चावल यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मिर्चा चावल कहाँ का है? बिहार के पश्चिम चंपारण का है। ठीक है, अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक है। तो इस प्रकार से यह पूरी बुक कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।